वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बात की, फिर इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया था। आज इसी के मुझे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि हमने स्ट्रिंग से एक मैथ को कनेक्ट किया है और ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ पर है। इसके बाद हम लोगों ने इस तरह की एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई की थी और उस फोर्स के अप्लाई करने से इसको एक्सटेंड किया था, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट तक एक्सटेंड किया था। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये हमने डिस्प्लेस कराया था ए पॉइंट तक। ए पॉइंट तक हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो अप्लाई की थी इससे इसे खींचा था। और जैसे ही हम लोगों ने ये अप्लाई जो एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ा था तो हमारा मैथ जो है वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस गया था। ये सब काम हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। ये दोबारा से हमारे पास मेन पोजीशन पर आ जाता है, मेन पोजीशन ओ पर आकर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर बल्कि रिश्ता नहीं है दोबारा ड्यू टू इनर्शिया और अपने अंदर जमा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। इस तरीके से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। ये हमारा कंप्रेस हो गया। हमने कहा था कि इस पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है और ये एक बैक तक जाता है और अगेन दोबारा ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके का था। ये हमारा ग्राफ आया था जो बिल्कुल साइनसॉइडल वेव की तरह का आया था। ये हमारा ओ इक्विलिब्रियम पॉइंट था और ये हमारा ए एक्सट्रीम पॉइंट और ये लोअर एक्सट्रीम पॉइंट जिसे हम लोगों ने ए डैश कहा था। जिस इन दोनों पॉइंट्स के अंदर ही ये जो हमारा स्प्रिंग था ये अपने मूवमेंट को बार बार रिपीट करता है, जिसकी वजह से हमने कहा था ये ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। अब इसके मुख्य फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी पॉइंट अपने जब कोई भी बॉडी जो है उसको ऑसिलेटरी मोशन शो करे तो ओ से लेकर ए तक जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है इसे हम इसका यहाँ तक डिस्प्लेस करके जब ये नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट के दौरान ओ से ए तक जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट करता है और मैक्सिमम हाइट जो गेन करता है इस मैक्सिमम हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड होता है ये वाइब्रेशन और स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग के लिए भी और सिंपल जो पेंडोलम की एग्जांपल है उसके लिए भी। जब बॉडी जैसे पेंडोलम में ये होता है कि बॉब को जब हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन पर ले जाकर छोड़ देते हैं तो ये जो एक्सट्रीम पोजिशन होती है जिसे हम लोग ए डैश या ए कहते हैं ये इसके लिए एम्पलीट्यूड होती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो गेन कर पाती है बॉडी अपने ऑसिलेटरी मोशन के दौरान वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन पोजीशन से जितना भी फासला तय किया जाए, यानी ओ से ए की तरफ आते हुए जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए या ओ से ए डैश की तरफ जाते हुए जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे हम उसका डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप यानी कि यहाँ से यहाँ पर आने पर यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से अगेन यहाँ पर आने पर और डैश पर इक्विलिब्रियम कंप्लीट एक जो रोटेशन होती है उसे हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं या एक रोटेशन कहते हैं। जब हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या अगर पेंडुलम की एग्जांपल ले ली जाए जब बॉडी ओ से ए पर जाए और ए से दोबारा ओ पर आए और ओ पर आने के बाद जब वो ए डैश पर जाती है और ए डैश से अगर दोबारा वो ओ पर आए यानी कि यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से जाने के बाद अगेन जब यहाँ पर वापस आए तो इस कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं कि ये वन वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है जैसे वन रोटेशन भी कह सकते हैं। इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम लोग एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन कहते हैं किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए। जैसे कि अगर आप पेंडोलम की एग्जांपल लेकर समझना चाहें तो ये सिक्स पॉइंट है और इधर से जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर आते हैं ए और ए डैश पर तो जो मैक्सिमम हाइट है इसे हम लोग कहते हैं कि ये उसका एम्पलीट्यूड है और टू से वन पर आते हुए जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अब जब ए पर सिक्स टू पॉइंट पर सिक्स है लेट्स से कि हमारा जो बॉब है वो टू पॉइंट पर सिक्स है, अब टू से पहले ए पर जाने वापस ए पर आने और यहाँ पर आने टू पर और टू से दोबारा ए डैश पे जाने और ए डैश से दोबारा जब टू पर आता है तब एक कंप्लीट वाइब्रेशन या रोटेशन होती है। और एक वाइब्रेशन या कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है उसे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक वाइब्रेशन को करने या एक रोटेशन को करने में जितना वक्त लगता है स्प्रिंग के लिए पेंडोलम के लिए किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए तो उसे हम उस वाइब्रेटिंग का टाइम पीरियड कहते हैं। और एक पॉइंट से यानी कि अगर ये हम लोगों ने जीरो ओ को अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया है तो
इस पॉइंट से जितनी वेव जितनी तेजी से निकलेंगी एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव यहाँ से निकलेंगी उन वेव को हम लोग कहेंगे कि ये उसकी फ्रिक्वेंसी है, ये पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी है या स्प्रिंग से लगे हुए मैथ की फ्रिक्वेंसी है। और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो है रिलेशन इन्वर्स होता है, जैसे कि ये हमारा एक एम्पलीट्यूड था और ये जो कंप्लीट राउंड ट्रिप था जिसे हम लोगों ने वन वाइब्रेशन कहा था, ये वाइब्रेशन किसी ना किसी वक्त के दौरान हुई होगी, तो इस चीज़ को हम पीरियड कहते हैं। इस चीज़ का यानी कि एक वाइब्रेशन को करने में जितना टाइम लगे उसे हम लोग उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि इस ग्राफ से भी काफ़ी हद तक वाजा हो जाता है कि जो मेन पॉइंट थी ये हमारा एम्पलीट्यूड था, जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ या नीचे जाकर हुआ, जितना फासला तय किया गया उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और ये दो पीक को, चाहे इस पीक और इस पीक की बात कर लीजिए, यानी कि एक पीरियड के अंदर या एक वाइब्रेशन के अंदर टू पीक का आना मस्ट होता है, चाहे वो दोनों अपर पोजीशन पे आप ले लें या चाहे दोनों लोअर पोजीशन पर ले लें, या एक एक ऊपर वाली पोजीशन पर ले लें और एक नीचे वाली पोजीशन पर ले लें। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर एक आपकी ये एम्पलीट्यूड की पोजीशन और ये एम्पलीट्यूड की पोजीशन, इसे भी आप लोग एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन कह सकते हैं। या आप अगर इस तरह से कहना चाहें कि ये भी एक पीक है और नीचे जाकर ये भी एक पीक है, तो आप इसे एक वाइब्रेशन कह लें, या आप इसे एक वाइब्रेशन कह सकते हैं। ये दोनों भी एक ही एम्पलीट्यूड या एक ही वाइब्रेशन होती है जिनमें दो एम्पलीट्यूड आते हैं। यानी कि ये बात ये हुई कि एक वेव के अंदर अगर दो एम्पलीट्यूड आए तो हम कहते हैं कि ये कम्प्लीट एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन है। और जो हमारा टाइम पीरियड होता है यानी कि एक वाइब्रेशन या एक रोटेशन को करने के लिए, जिसमें एक रोटेशन यानी कि जिसमें दो एम्पलीट्यूड का आना मस्ट हो, चाहे वो ये वाले एम्पलीट्यूड हो या चाहे वो ये वाले एम्पलीट्यूड हो, एक वाइब्रेशन को करने के लिए जितना वक्त लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में एक ही पॉइंट अगर इसे हम लोग फिक्स कर दें, इस पॉइंट से जितनी वेव्स निकलेंगी एक सेकंड के अंदर, चाहे वो दो निकल जाएँ, तीन, चार, पाँच, छः, जितनी भी निकले, वो उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी कहलाती है। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये कुछ रिलेशनशिप है कि हम लोग एम्पलीट्यूड कब कह सकते हैं, वाइब्रेशन कब होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेन पोजीशन क्या है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि एम्पलीट्यूड किस पॉइंट पर होता है, टाइम पीरियड कब होता है, डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पर लिया जाता है, और फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशनशिप क्या है। सिंपल पेंडुलम के लिए भी सिमिलरली इसी तरह से ये है जिस तरह से मैथ स्प्रिंग से बंधे हुए किसी भी मैथ के लिए, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करें।